पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अधिवक्ताओं के साथ ये जो असामाजिक कर्म है उनके द्वारा इंदर तत्वों के द्वारा अकारणी मारपीट की जाती रही है। इसके लिए अनेकों बार शासन से एडवोकेट्स ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करी, लेकिन उसके बाद भी जो है शासन द्वारा कोई जू नहीं उनकी जू नहीं रहेंगी और उन्हें आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए का प्रारूप भी तैयार नहीं किया। इसके लिए जो है अपने सो मोटो संज्ञान लेके और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन को ऑर्डर किया कि आप जो है अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप तैयार करके और तत्काल विधानसभा में पेश करें, लेकिन उसके बाद भी जो है शासन द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे अभिभाषक संघों में संघ में काफ़ी आक्रोश है, सारे अधिवक्ता काफ़ी आक्रोशित हैं और अभी 7/12 को भोपाल में एक अशोक जी विश्वकर्मा अधिवक्ता के साथ पेट्रोल पंप पर उनको जो है ड्रेस के अंदर वो वहाँ पेट्रोल भरा रहे थे या तो वहाँ पे जो है कुछ 3 गुंडों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट करी, उनके सिर में गंभीर चोट आई, उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम हुआ मारपीट करने वाले जो गुंडे थे उनके खिलाफ। लेकिन अब चूंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है, आप देखेंगे जैसे इसके लिए अपने चिकित्सा प्रकोप के लिए जो है उनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू है अनेक जो है संस्थाओं के लिए, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की काफ़ी समय से मांग की जा रही है लेकिन शासन द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप ही तैयार नहीं किया जा रहा है। इसके विरोध स्वरूप मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर आज यहाँ जिला अभिभाषक संघ ने भी जो है अपने कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया है और हम इसका जो है प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू जल्दी लागू किया जाए और आगे जो भी हमारे स्टेट आज हम कार्य से विरत रहे हैं और आगे जो स्टेट बार काउंसिल जैसे निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई करें।